सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल सजीवों का ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बद्रीनाथ धाम से। हमारा जो टारगेट है पीपल कोटी, पीपल कोटी में हम लोग रेस्ट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ नहीं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और कुछ नहीं, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना तो हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं, मतलब अभी बजे है 9:30 बज चुके हैं, हमें पहुंचना है 4 बजे से पहले। देखते हैं बीच में ट्रैफिक वगैरह मिलेगा, क्योंकि बीच में बर्फ वगैरह भी ज़्यादा गिरी है, अभी भी ठंड लग रही है हमें। तो चलते हैं। तो आप लोगों को एक बात बताने रह गई थी कि जो चारधाम यात्रा की सीरीज है उनमें से और तीन वीडियोज़ बाकी है, उस सीरीज़ के 3 एपिसोड्स बाकी है। तो चैनल पर बने रहना हमारे साथ और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ एक बार बोलिए तो सही, कोशिश तो कीजिए, हर हर महादेव, जय भद्र विशाल। तो आज हमारे वीडियो शुरू करते हैं। जो आप लोग देख पा रहे हैं आगे ऊपर पहाड़ पे जो बर्फ़ गिरी है, हमारे जो प्रवीण भैया है वो बता रहे हैं कि ये बर्फ़ सुबह ही गिरी है, तो बहुत ही फ्रेश है और ठंड लग रही है बहुत, अभी भी सहन नहीं कर सकते ऐसी ठंड है।
अभी हम लोग फंसे थे ट्रैफिक में, मतलब ट्रैफिक इतना था क्योंकि छोटा रास्ता है, और करीब से करीब 4 साढ़े 4 घंटे हमारे ट्रैफिक में चले गए। और अभी चलते बीच में बारिश हो रही है, ओले वगैरह गिर रहे, ठंड भी लग रही है, और सारी जगह पर यहाँ पर मिलिट्री वाले पुलिस वाले सबकी मदद के लिए यहाँ पर है, क्योंकि किसी की गाड़ी फंसे ना, तो सब एक दूसरे की मदद यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में आके, बहुत अच्छा हम लोग फील कर पा रहे हैं, इंसानियत क्या है वो भी देख पा रहे। तो कुछ नहीं, हर महादेव, जय बद्री विशाल। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग किसी भी होटल में रुकते हो तो कैसा लग्जरियस सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर चार धाम जब लोग आप करते हो या फिर कौन से भी धाम करते हो, धार्मिक स्थलों में जाते हो, तो जो भी आप लोगों को मिले वहाँ वो एडजस्ट कर लेना। हम लोग जिस रुके जहाँ पर रुके हैं वो प्योर गढ़वाली हाउस है, मतलब दिखने में बहुत सुंदर है। जो आप लोग ये वॉल्स वगैरह दिख रही है उनकी है, उनके घर में हम लोग है और खाना खाते हैं और सोते हैं। और जो लोग बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे उन्हें जो भी चीज़ें हैं वो एडजस्ट करके, मतलब जब लोग जब आप यहाँ पर आते हो तो जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो वो सब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, और यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों और मित्रों, अभी हम लोग रुके हैं पीपल कोटी में। हम लोग रेस्ट करेंगे, मतलब आज यहाँ पर सोएंगे, और जो हमारे जिन जहाँ पर हम लोग रुके हैं उनका घर है, उनके घर पे ही साइड में जो हम लोग स्टे कर रहे हैं, और मतलब यही मतलब जो गढ़वाली हाउस होता है, गढ़वाली घर होता है, वैसा स्टे है, मतलब बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है। उसी के साथ साथ इन्होंने इन खाना दिया है वो प्योर गढ़वाली फूड है, तो हम लोग खाते और कुछ एनर्जी लेते हैं। गढ़वाली खाने में सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो दिनेश अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बताया, गाइड किया है कि क्या है क्या नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग घर के बाहर बैठे थे तो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसी ठंडी हवाएं चल रही है। दिनेश अंकल जी के जो बेटे हैं वो रुद्रनाथ ट्रैक के लिए जा रहे हैं, जो पंच केदार में से एक केदार है, जैसे मैंने पहले बताया है। रुद्रनाथ ट्रैक बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कम लोग करते हैं, गिने चुने लोग, तो वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हर महादेव, मतलब ठंड बहुत ही है, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, खाना खाना है और सोना है। तो दोस्तों मित्रों, इतना ही था हमारे इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो देख रहे चार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ नहीं, आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन, टेक केयर एंड बाय।